संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। आप रोजाना देख रहे हो, किरोड़ी जी कह रहे हैं दिल्ली जाके आया हूँ, ईडी ला रहा हूँ। तो उनकी मौसी लगती है क्या ईडी? उनके नहीं आ सकती क्या? बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो दूध के दूल्हे हैं क्या? और अगर कोई भी किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का हो कोई भी हो, वो गड़बड़ करेगा तो भरेगा। तो इस तरीके से एक डर का, नफरत का माहौल एक दबा करके, कुचल करके और जो राजनीति की जा रही है। तो आपने सुना और देखा कि कैसे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि डराते क्यों हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का नाम लेकर डराते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं और बाबा जी तो अलग ही है। जी हाँ, बाबा तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बाबा किरोड़ी लाल मीणा तो कहते हैं कि दिल्ली जा रहा हूँ, ईडी ला रहा हूँ। तो ईडी क्या उनकी मौसी लगती है? आप रोजाना देख रहे हो, किरोड़ी जी कह रहे हैं दिल्ली जाके आया हूँ, ईडी ला रहा हूँ। तो उनकी मौसी लगती है क्या ईडी? आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोटा में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर भड़ास निकालते हैं। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने बीजेपी नेताओं के साथ कोटा की सांसद यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि ओम बिरला जी महामहिम हैं, कितने काम करा दिए। हम लोग पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी नियत खोटी है, काम नहीं कर रहे हैं। एक रुपये का काम किया हो तो बता दीजिए आप। यहाँ ओम बिरला जी हैं, महामहिम हैं, कितने काम करा दिया बता देना, गिना देना कितने काम करा दिए उन्होंने। इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती लोकसभा अध्यक्ष से। राजस्थान में एक तरफ जहां अशोक गहलोत सरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले बजट मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ इस साल कई दिग्गज नेताओं की तकदीर का भी फैसला होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में अपने कद को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत की गुटबाजी के बीच कांग्रेस को भी फैसला लेना होगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 2023 में किस पर निशाना लगेगा और कौन निशाने पर होगा। राजस्थान तक के लिए कोटा से संजय वर्मा की रिपोर्ट।